हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्लास टेन का साइंस और क्लास टेन के साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपको जरूर तैयार करने चाहिए क्योंकि बार बार ये रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो देखिए, ये विद्या क्वेश्चन बैंक है 2024 का। इससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं एग्जाम के अंदर, वही आपको बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये विद्या क्वेश्चन बैंक है 2024 का न्यू पैटर्न है। और देखिए, इसमें से 50 क्वेश्चन हम निकालेंगे जो आपको जरूर तैयार करने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं आप उन पर निशान लगाइए। देखिए, पहला चैप्टर है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इस चैप्टर में से आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए इसमें से कौन कौन से तैयार करने हैं आपको क्वेश्चन, आप उन पर निशान लगाइए। देखिए, समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसको संतुलित करना आना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। और देखिए, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी आ जाता है, इसको जरूर तैयार करना है। और देखिए, आपको क्या तैयार करना है इस चैप्टर से, उस पर निशान लगाइए। और देखिए, इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना है, ये बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। चलिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, बस इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। और चैप्टर नंबर 2 से तैयार करने हैं अम्ल क्षार एवं लवण से, एसिड्स वेसेस एंड सॉल्ट। इसमें से देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के चले जाना और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं आप उन पर निशान लगा सकते हैं। चलिए, देखिए आपको तैयार करना है पीएच की परिभाषा, ये काफी रिपीट होती रहती है बार बार एग्जाम में, इसको तैयार करना है। और देखिए, आपको क्या तैयार करना है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करना है, मोस्ट टाइम है कि अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा बताइए, उदाहरण देकर इसको समझाना है। तो इस क्वेश्चन को जरूर एग्जाम के लिए तैयार करके जाना है। ओके, और व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इसको देख कर जाना है, पढ़ कर जाना है। देखिए, और आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट टाइम पे, इसको भी जरूर तैयार करके जाना है एग्जाम के लिए। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है, आप पढ़ सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और प्लास्टोपेरिस किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट टाइम पे है, इसको भी पढ़ कर जरूर जाना है। ओके, ये इसका आंसर है, इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चैप्टर नंबर 3 आता है धातु और अधातु, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लेना इसी क्वेश्चन बैंक के। ओके, चलिए, ये इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं आप उन पर निशान लगा सकते हैं। देखिए, ये मोस्ट टाइम पे इस चैप्टर का कि अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए, ये मोस्ट टाइम पे इसको अयस्क और खनिज में अंतर बताना है और परिभाषा लिखनी है, इसको जरूर देख कर जाना है। और भर्जन किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट टाइम पे है, भर्जन को भी पढ़ के जाना आपको। और देखिए, आप जो तैयार आपको और जो तैयार करने एग्जाम के लिए आप उन पर निशान लगा सकते हैं। चलिए, अब आता है कार्बन एवं उसका यौगिक, इस चैप्टर में से आपको क्या क्या तैयार करना है। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना है। और देखिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, देखिए ये मोस्ट टाइम पे इस चैप्टर का कि समझाते श्रेणी क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, देखिए इस चैप्टर का जो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है और जो आपको जरूर तैयार कर जाना है, देखिए ये वाला, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, ये समीकरण बार बार रिपीट होती रहती है, इसको तैयार करके जाना है और ये इसका आंसर है। और इस चैप्टर से आपको जरूर से जरूर जो तैयार करना, देखिए साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये मोस्ट टाइम पे, ये तो बार बार आती है, ये वेरी वेरी टाइम पे है ये जो क्वेश्चन है कि साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक विधियां कौन सी है, इसको जरूर तैयार करके जाना हो, ये रिएक्शन आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जानी है। तो ये मोस्ट टाइम भी है, इसको 100% आपको तैयार करके जाना है। और देखिए, और मिसेल पर टिप्पणी, तो इस चैप्टर के दो जो किंग क्वेश्चन है वो यही वाले हैं, साबुन क्या है और मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये दोनों क्वेश्चन में से एक 100% आती आता है हर साल। और ये इसका सोल्यूशन है, आप ये देख सकते हैं इतना बड़ा है, आप अपनी सोच के आधार पर इसको सॉर्ट करके लिख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना है आप उन पर निशान लगा सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये आईयूपीएसी नामकरण, ये आईयूपीएसी नामकरण 100% आपको कम से कम 2 से लेकर 3 नंबर जरूर देकर जाते हैं, ये आईयूपीएसी नामकरण आपको आने चाहिए। और अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक के नाम से आईयूपीएसी नामकरण सोल्व करना चाहेंगे तो आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं कि विद्या क्वेश्चन बैंक आईयूपीएसी नामकरण, हमारी वीडियो इसकी बनी हुई है अलग से, वो ऊपर आ जाएगी, आप देख सकते हैं इसको जाके सर्च बार में। और जो आपको तैयार करना एग्जाम के लिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है मोस्ट टाइम पी है, क्या है एस्टिकरण से आप समझते हैं,
इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ओके, यहाँ तक इसका आंसर है। और जो आपको तैयार करना है, देखिए अब आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में से आपको तैयार करना है जैव प्रकरण में से क्या तैयार करना, देखिए ये सारे के सारे जो बहुविकल्पी हैं ये हमने अलग से सेपरेट इसकी वीडियो बना रखी है, आप वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं। ओके, और जो आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, आप उन पर निशान लगाइए। देखिए इस चैप्टर में से आपको क्या क्या तैयार करना है, एक क्वेश्चन ये तैयार करना है कि पाचक रस पर संक्षिप्त टुकड़े लिखिए, पाचक रस क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है और तैयार करना है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह है इसका सॉल्यूशन। ओके, और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन इसको पढ़कर जरूर जाना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और देखिए इस चैप्टर का एक और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये वाला, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर बार बार रिपीट होता रहता है, इसमें से केवल आपको चार छांटने हैं जो शॉर्ट होंगे। देखिए पहला वाला तैयार कर लेना इसमें से, चौथा वाला तैयार कर लेना, तीसरा वाला तैयार कर लेना और आठवा वाला, जो छोटे छोटे हैं उसमें से आप ये तैयार कर सकते हैं, बाकी जो लॉन्ग है उसको छोड़ सकते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए इस चैप्टर में से आपको और क्या तैयार करना, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये मोस्ट टाइम भी है। क्या है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, तो ये हार्ट के बारे में आपको लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ बस यहाँ तक तैयार कर लें, इतने ही काफी है 6 नंबर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो ये जरूर से जरूर आपको पढ़कर जाना है हार्ट वाला जो क्वेश्चन है। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर का, ये उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए और वृक्क की संरचना बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्सर्जन वाला। ओके, इसको भी जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए आप उन पर निशान लगा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं और फिर ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र सहित तो बताइए, ये चित्र की सहायता से इसको समझाइए। इस क्वेश्चन को पढ़ कर जाना है, ये मोस्ट टाइम पी है और ये हार्मोन्स वाला भी एक दो बार पढ़ लेना। और ये प्रतिवर्ती क्रियाएं का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, आप यहाँ तक तैयार कर सकते हैं चित्र तक। ओके, जितना आप चित्र से समझा कर आएंगे पेपर में उतने ही ज्यादा नंबर आपके आएंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 आता है जीव जन्म कैसे करते हैं, इसमें से जो आपको तैयार करना है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। वैसे इनकी वीडियो सेपरेट अलग से बनी हुई है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, देखिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है। क्या है क्वेश्चन कि जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए, जो जनन स्वास्थ्य होता है गर्भ निरोधन की विधियां बताइए। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, परिवार नियोजन क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का क्वेश्चन, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है, चलिए समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना है कि पुष्प का नवान के चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य लिखिए। तो पुष्प का नवान के चित्र बनाना है और इसके विभिन्न कार्य लिखने हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये प्रजनन क्या होता है, मादा जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र, ये दोनों ही पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। ओके, ये अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसकी देख सकते हैं, शॉर्ट में इसको हम पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, 10th क्लास के साइंस की प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर मिल जाएगा। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 आता अनुवांशिकता, ये इसके क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, आप इनको पढ़ सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए और जो इस चैप्टर से आपको तैयार करने हैं, देखिए ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हैं और ले सकते हैं सबका स्क्रीनशॉट। और देखिए इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, देखिए ये मोस्ट आईएमपी है, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है कि मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। ये जो अनुवांशिकता के नियम बहुत आते हैं, इसको जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। ये क्या है, मेंडल के नियम है, ये सारा कुछ आपको जरूर पढ़ के जाना है। और देखिए इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है कि लिंग गुण सूत्र क्या होता है, इसका अर्थ बताइए, ये भी मोस्ट टाइम पी है, इसको भी आप जरूर पढ़ के, आपको जरूर पढ़ के जाना है इस क्वेश्चन को भी। देखिए तो इस तरीके से ये आ रखा है, आप ये पढ़ सकते हैं,
इसका सॉल्यूशन है, तो आपको ये जरूर तैयार करके जाना है। ये भी इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है। अब आती है फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करने हैं, शुरू में आपको मिलेंगे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ तो सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। और देखिए इस चैप्टर के जो आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, वो कौन कौन से तैयार करने हैं, देखिए ये न्यूमेरिकल काफी आ जाता है, ये वाला कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष द्रव का जो अपवर्तनांक है 1/sin c होता है, तो साइन सी, सी का मान 45 डिग्री रखेंगे और 45 का मान होता है 1/√2, राइट का पड़ जाएगा तो √2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको जरूर तैयार करके जाना है। ओके चलिए, और जो आपको तैयार करना है क्वेश्चन इस चैप्टर का, देखिए ये सूत्र का निगमन जरूर आता है कि गोलीय दर्पण और कौन सा है, ये अपर दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, ये वाला जो डेरिवेशन है ये आपको आना चाहिए। ये इस तरीके से इसका चित्र बनेगा और ये इसका सॉल्यूशन होकर आंसर आता है। तो अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप बता सकते हैं, इसको हम सॉल्व करा देंगे अलग से। और देखिए अब देखिए चैप्टर आता है 10वां की मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और जो आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, देखिए इसमें से जो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है ये वाले कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और देखिए यहाँ तक इसका आंसर है। अब आता है निकट दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष ही आपको जरूर तैयार कर, ये निकट दृष्टि दोष आपको जरूर तैयार करके जाना है। ओके ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ है। ओके चलिए, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ये मानव नेत्र है, इसको आपको चित्र को बनाकर जाना है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, इसका उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये आपको पढ़ के जाना है, ये इसका चित्र है, इस तरीके से आपको चित्र बनाना है एग्जाम में। अब आता है चैप्टर नंबर 11 विद्युत, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं, और ये सारे क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ओके चलिए, और जो आपको तैयार करना है इसमें से क्या क्या तैयार करना है वो समझते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है कि विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है, एक धातु के तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। चलिए और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए इसका न्यूमेरिकल इस टाइप का एक ना एक पक्का आता है चित्र पर आधारित, तो न्यूमेरिकल आपको ये पढ़ के जाने हैं, समझ के जाने हैं किस तरीके से करते हैं, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। इसके न्यूमेरिकल हैं और ये वाला न्यूमेरिकल आपको जरूर पढ़ना है, ये वाला, ये सारे न्यूमेरिकल हम करा चुके हैं, और ये वाला न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करके जरूर जाना, इस टाइप के न्यूमेरिकल मालूम कर लेता है। और जो आपको तैयार करना है, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, कि वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ये भी काफ़ी आ जाता है। और देखिए और को और देखिए और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि ओम का नियम क्या होता है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक किरण आरेख खींच के समझाइए इसको। तो ये ओम का नियम है, ये ओम का नियम भी आपको आना चाहिए। देखिए और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, ये दो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला न्यूमेरिकल भी मोस्ट आईएमपी है। क्या है, ये जो न्यूमेरिकल है ये बार बार रिपीट होता रहता है 6 नंबर में, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है, आप ये देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। चलिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसमें से जो आपको क्वेश्चन तैयार करना, देखिए ये वाला मोस्ट टाइम पी है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बता दो, तो ये आपको पढ़ के जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ के जाना है, ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ के जाना है। ओके चलिए, तो ये मोस्ट टाइम पी है, और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम एक दो बार पढ़ लेना। अब आता पर्यावरण, अब आता है हमारा पर्यावरण, इसमें से एक तो क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और आपको ये सारे के सारे जो मॉडल पेपर हैं इसके क्वेश्चन बैंक के, ये जो मॉडल पेपर हैं ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, आप ये प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं,
पढ़ सकते हैं, उससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चन हम समझा चुके हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में इनको देख सकते हैं। ये पूरी क्वेश्चन बैंक के बारे में हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये सारा कुछ दोबारा से बताया गया होगा जो न्यू सब्जेक्ट के बारे में होगा। तो ये सारे के सारे जो मॉडल पेपर हैं ये आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाने हैं। तो न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस ये आपको पढ़ने हैं, ध्यान से देख लें। ओके, तो ये पूरी क्वेश्चन बैंक के बारे में हमने बता दिया है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर फ्रेंड्स।